अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं ऐसे एंटरटेनमेंट। नाजरीन, आज फिर से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको न्यू ड्रामा सीरियल में अगर चुप हूँ मैं एक्टिंग करने वाले अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में बताऊँगी। ये ड्रामा 23 नवम्बर से रात 7 बजे YouTube पर नशर किया जाएगा। इस ड्रामा में एक्टिंग के जौहर दिखाने वाले अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हमेशा की तरह आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे न्यू ड्रामा सीरियल में अगर चुप हूँ की कास्ट के रियल लाइफ पार्टनर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं काफ़ी अर्सा से टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अदाकारा आयशा गुल की। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ बेहतरीन डेंटिस्ट भी हैं। और आप अगर बात इनकी मैरिड लाइफ की करें तो ये शादीशुदा हैं, इनके हस्बैंड शोबे से ताल्लुक नहीं रखते। ये आजकल ड्रामा सिर्फ फितरत में दिखाई दे रही हैं और अब ये इस ड्रामा में भी आपको एक्टिंग करती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा सहर खान की। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन टिकटॉक स्टार भी हैं और ये अब तक सिंगल हैं। इन्हें आप ड्रामा सिर्फ वफा कर चुके में भी देख चुके हैं। इस ड्रामा में इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और अब ये इस ड्रामा में एक अहम किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं अदाकार फरहान अली आगा की। इनकी बहुत खूबसूरत सी फैमिली है। इनकी एलिया का नाम उज्मा आगा है जो शोबे से ताल्लुक नहीं रखती और इनके 2 बेटे हैं। ये आजकल ड्रामा सिर्फ राजे उल्फत में दिखाई दे रहे हैं। इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अब ये इस ड्रामा में आपको एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। आप बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा सुमैया बख्श की। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं और ये अब तक सिंगल हैं। ये आजकल ड्रामा से चमक दमक में दिखाई दे रही हैं और अब ये इस ड्रामा में भी एक्टिंग करती हुई दिखाई देंगी। आप बात करते हैं हैंडसम अदाकार अदील चौधरी की। ये एक टैलेंटेड एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर और बेहतरीन डेंटिस्ट भी हैं और ये अब तक सिंगल हैं। इन्हें आप ड्रामा से मुनाफिक में पहले भी खूबसूरत अदाकारा फातिमा अफंती के साथ देख चुके हैं। इस ड्रामा में इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया और अब ये फिर से फातिमा अफंती और हमाद फारूकी के साथ इस ड्रामा में एक अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा फातिमा अफंती की। इनकी बहुत खूबसूरत सी फैमिली है। इनके हस्बैंड का नाम कमर अरसलान है जो खुद एक टैलेंटेड एक्टर हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इनके 2 क्यूट से बेटे हैं। इन्हें आप ड्रामा सिर्फ मुनाफिक में एक्टिंग करते हुए देख चुके हैं। इस ड्रामा में इनकी एक्टिंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और अब ये इस ड्रामा में एक अहम किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। आप बात करते हैं हैंडसम अदाकार हमाद फारूकी की। इनकी बहुत खूबसूरत सी फैमिली है। इनकी एलिया शोबे से ताल्लुक नहीं रखती और इनका एक क्यूट सा बेटा है। इनका भाई फराज फारूकी भी इनकी तरह टैलेंटेड एक्टर है। इन्हें आप बेशुमार ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए देख चुके हैं। इनकी एक्टिंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अब ये इस ड्रामा में एक अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। तो नाजरीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट से अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।